जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 8 के हिंदी एकम 5 दोहे वो पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगले तास में हम कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो प्राप्त कीजिए और साथ साथ में कबीर जी के तीन दोहे है उसकी समझूती भी प्राप्त की थी और दोहे है वो कैसे गाए जाते हैं उसकी भी माहिती है वो हमें प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम रही थी और तुलसीदास जी के दोहे है वो समझूती है वो प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको मैंने अगले क्लास में ही बताया था कि रहीम जी का पूरा नाम है वो आपको खास याद रखना है। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खान। बच्चों, अब दोहे है वो पढ़ेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 28 है वो निकालो। रहीमन बेहर मर चुके जे कहीं मांग न जाए, उनते पहले बेर हुए जिन मुख निकसत नाही। बच्चों, यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी है वो बता रहे हैं कि वे नर यानी कि वे मनुष्य, नर का मतलब होता है मनुष्य, वे मनुष्य है वो मर चुके हैं, मृत्यु के समान है। जे कम मांग में जाए, जो दूसरे के पास भीख मांगने जाते हैं अपने हाथ पैर होते हुए भी, जो लोग किसी दूसरे के घर भीख मांगने जाते हैं वे लोग मर चुके हैं ऐसे होते हैं। यानी कि यहाँ पर रहीम जी है वो कहते हैं कि जे नर है, जो नर है वो किसी और के यहाँ भीख मांगने जाता है वो मनुष्य मृत्यु के समान है। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। बच्चों, यहाँ पर रहीम जी है वो कहते हैं कि किसी के पास भीख लेना बुरी बात है, मगर यदि मनुष्य है वो भीख मांगता है इसके कई कारण होते हैं। या तो वह वृद्ध होता है, वह कमा नहीं पाता, काम नहीं कर पाता तो उसको भीख मांगनी पड़ती है। वो अपंग होता है, वो चल फिर नहीं सकता तो उसे भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे कारण से यदि मनुष्य है वो भीख मांगे और जिस घर में वह कुछ लेने के लिए जाए और उस घर वाले यदि उसको भीख में कोई पैसे न दे, कोई दान न दे और वह कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तो ऐसे लोग वह भीख मांगने वाले व्यक्ति से भी बुरे होते हैं। यानी कि उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, भीख मांगने वाला की तो मृत्यु हो नहीं जाए मगर उससे पहले उनकी मृत्यु होनी चाहिए जो किसी को दान नहीं दे पाते, जो घर आए भिक्षुक को कुछ अन्न खाने को नहीं दे पाते, धन नहीं दे पाते, उन व्यक्तियों की पहले मृत्यु होनी चाहिए। बच्चों, हमारे आंगन में यदि कोई निराधार, जिसका कोई आधार न हो, ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति आए, कोई अपंग हो कि जो कामकाज न कर सके, ऐसा व्यक्ति आए तो उसे अवश्य भीख देनी चाहिए, उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर रहीम जी हमें बताना चाहते हैं। अब हम अगले दोहों में देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। बच्चों, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति है, जो सज्जन है, उसका प्रकृति यानी उसका स्वभाव है उत्तम है, अच्छा है, का करी सकत कुसंग, उसे कुसंग यानी कि खराब संगति की कोई असर है वो नहीं हो सकती। चलने में इसका पुत नहीं लिपटे रहत भुजन, भुजन यानी कि तार। बच्चों, यहाँ पर रहीम जी है वो सज्जन और दुर्जन यानी कि कुसंग वाले व्यक्ति होते हैं, गंदी आदत वाले व्यक्ति होते हैं, उसकी बात कहते हैं और भुजन यानी कि साफ और
चंदन के वृक्ष के द्वारा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह चंदन का वृक्ष है वो हमें हमेशा शीतलता देता है और इस पर साफ है यानी कि भूजल है वो लिपटा रहता है, फिर भी चंदन है वो कभी अपनी शीतलता देना कम नहीं करता, उसमें कभी भी फिश फिश यानी कि जहर है वो नहीं आता, वो हमेशा चंदन का वृक्ष है वो हमेशा हमें शीतलता देता ही रहता है। इसी तरह रहीम जी चंदन के वृक्ष और सांप के उदाहरण के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि सज्जन यानी कि अच्छे व्यक्तियों पर कभी कुसन यानी कि बुरे व्यक्ति की असर नहीं होती। यह बात है वह हमें इस दोहे में सीखने को मिलती है कि अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति हो वो चाहे कितने भी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहे मगर उसके स्वभाव में कोई फेर है वो दिखाई नहीं देगा, उसका स्वभाव है वो हमेशा अच्छा ही रहता है। और उसका उदाहरण दिया है कि चंदन का वृक्ष है उस पर साफ है यानी कि पूजन लिपटा रहता है, फिर भी चंदन का वृक्ष है वो कभी जहर यानी कि विष नहीं उगलता मगर वह हमेशा शीतलता ही प्रदान करता है। अब हम अगले दम देखते हैं, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोली बोल, रहीम ने हीरा कब कहे लाख टका में वो मोल। यहाँ पर रहीम जो है वो कहते हैं कि बड़े व्यक्ति यानी कि पैसे वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी बड़ाई नहीं करते, वो कभी भी अपने गुणगान है वो नहीं गाते, वह हमेशा बड़े बड़े बोल बड़ी बड़ी बातें है वो नहीं करते यानी कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल। बड़े व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है पैसे वाला व्यक्ति है अच्छे व्यक्ति है वो कभी भी अपने गुणगान नहीं गाते और उसके द्वारा रहती है उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह रहीम ने हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। रहीम जी बता रहे हैं कि कभी आपने हीरे को ऐसा बोलते हुए सुना है कि मेरी कीमत है वो लाखों रुपए की, उसी तरह सज्जन अच्छा व्यक्ति है जो दूसरों को मदद करना चाहता है वह व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, खुद की प्रशंसा कभी भी नहीं करेगा और वह बिना कुछ कहे दूसरे लोगों की मदद है वो करता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हीरे का उदाहरण देकर रहीम जी ने बताया है कि हीरा कभी अपनी कीमत अपना मूल्य है वो खुद नहीं बताता मगर उसको देखकर भी व्यापारी होता है उसे उसकी मूल्य उसका कीमत है वो पता चल जाता है। उसी तरह बड़े आदमी सज्जन आदमी के काम करने से ही उसमें जो बोल रहा है वो पता चल जाता है। बच्चों अब हम अगला यानी कि तुलसीदास जी के दो दोहे हैं वो पढ़ेंगे। आवत ही हर छे नहीं नैन नहीं सने तुलसी वाहन जाइए कंचन बदले में। बच्चों बहुत ही अच्छा दोहा है, आवत यानी कि आपको देखकर आवत ही हर छे नहीं, आप यदि किसी के घर अतिथि बनकर अतिथि यानी कि मेहमान बनकर जाओ और उस वो व्यक्ति है वो आपको देखकर हंसे नहीं मुस्कुराए नहीं उसको आनंद ना हो खुशी ना हो नैन नहीं सने और उस व्यक्ति के आंखों में नैन यानी कि आंखों में आपके प्रति कोई प्रेम स्नेह न हो तुलसी वहां न जाइए कंचन बसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर कभी मत जाना जो व्यक्ति आपको देखकर खुश ना हो उसकी आंखों में आपके प्रति कोई स्नेह लागणी प्रेम न हो उस व्यक्ति के घर कदई मत जाना भले ही वहां उस घर में कंचन कंचन यानी कि सोना सोना है वो भी बारिश की तरह बरस रहा हो यानी कि वह घर है वो बहुत ही धनवान हो पैसे वाला हो फिर भी
आपको देखकर जिस व्यक्ति की आंखों में स्नेह न हो, आपके प्रति कोई लालची न हो, आपको देखकर कोई मुस्कुराए नहीं, आनंदित न हो, ऐसे घर में कभी भी मत जाना। जिस घर में आपका मान सम्मान है वो न हो, उस घर में कभी भी कदम मत रखना। भले ही बाहर लाखों की संपत्ति हो, मगर उस घर में कदम न जाना जिस घर में आपके प्रति कोई लालची, मान सम्मान, आनंद न हो। ऐसी बात है वो यहाँ पर तुलसीदास जी है वो बता रहे हैं। बच्चों हमें भी यह दोहा है वह अपने जीवन में उतारना है कि यदि हम किसी के घर जाते हैं और वह व्यक्ति है वो हमें देखकर उदास हो जाता है, हमें देखकर खुश नहीं होता, तो उस व्यक्ति के घर हमें कदई नहीं जाना। भले ही वहां लाखों की संपत्ति हो, मगर उस व्यक्ति का दिल है वह बहुत ही गरीब होता है, जो अतिथि को देखकर खुश नहीं होते बल्कि दुखी होते हैं। वह धन के अमीर होते हैं मगर दिल के गरीब होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर जाओ जहाँ भले ही गरीबी हो, मगर आपको देखकर उसकी आंखों में स्नेह लागणी हो, आपको देखकर बहुत खुश हो जाए। हमेशा ऐसे व्यक्ति के घर ही जाना चाहिए जिसको आपके प्रति कोई लागणी न हो, प्रेम न हो, उसके घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब अगला दोहा, विद्या धन उद्यम बिना कहां जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखों को कौन। बच्चों आप विद्यार्थी है तो आपके लिए यह दोहा है वो बहुत ही खास है। विद्या धन, विद्या है वह एक धन है। उद्यम बिना, उद्यम यानी कि परिश्रम, मेहनत के बिना कहां जो पावे कौन। विद्या से यदि आपको विद्या का धन प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सख्त परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको विद्या रूपी धन है वो प्राप्त नहीं होगा। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। बच्चों यहाँ पर तुलसीदास जी है उन्होंने उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? पंखे का। बच्चों आपके घर में भी पंखा होगा जो हाथ से हवा डालता होगा। ऐसा पंखा पुराने जमाने में देखने को मिलता था कि जब व्यक्ति है वो भोजन करते बैठता है तब पति के पास की पत्नी बैठती है या माँ बैठती है और उस व्यक्ति को हाथ से पंखे की हवा डालती है। तो बच्चों ऐसा पंखा है उसकी यदि हवा हमें खानी है तो हमें अपना हाथ है वो हिलाना पड़ेगा, तभी हम उस पंखे की हवा है वो खा सकेंगे। इसलिए यदि हम विद्या रूपी धन प्राप्त करना है तो हमें उद्यम यानी कि परिश्रम करना पड़ेगा। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें विद्या रूपी धन है वो प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर तुलसीदास जी है उन्होंने पंखे यानी कि यदि हमें हवा खानी है तो हमें पंखे को डुलाए बिना हम हवा नहीं खा सकते, हमें पंखे को डुलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तभी हम पंखे की हवा है वो खा सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कबीरदास जी, रहीमदास जी और तुलसीदास जी ने अपने दोहे के द्वारा हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें जो उतारनी है ऐसी बात है वो यहाँ पर हमें बताई है। बच्चों यह दोहा है वहाँ आपको गाना है, बाद में यह दोहा है वह क्या कहना चाहता है, वह खास उसकी समझौती है वो प्राप्त करनी है। मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा इस दोहे के भावार्थ की समझौती है वो लिखकर दूंगी। हम एक बार शब्दार्थ है उस पर नजर डाल देते हैं। बच्चों शब्दार्थ में कुटुंब, कुटुंब यानी कि परिवार या कुटुंब, खेर, खेर यानी कि कुशल, नाद, नाद यानी कि आवाज या ध्वनि, कुसंग यानी कि बुरी संगत, बुरी आदत, भुजंग, भुजंग यानी कि साथ या सर, नैनन, नैनन यानी कि आंखों, हर्ष, हर्ष यानी कि खुशी, कंचन, कंचन यानी कि सोना, मैं यानी कि मैं, बारिश, परिश्रम,
पौन या उद्यम यानी कि परिश्रम, यानी पौन या पवन यानी कि हवा। खान खाना यानी कि सरदारों का सरदार एक उपाय। बच्चों खान खाना शब्द है वह नारायण जी के नाम के साथ जुड़ा गया है, उन्हें एक उपाधि यानी कि पदवी है वो दी गई है। बच्चों आप यह वीडियो है यह पूरा देखना, समझने की कोशिश करना और अगले टास्क में हम एक छो है वो देखेंगे। तब तक के लिए जय स्वामी नारायण।